नमस्कार। विश्व गठिया दिवस पर हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। गठिया दुनिया भर में विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है, जो सभी आयु समूहों के लाखों लोगों को प्रभावित करता है। भारत में गठिया का बोझ बढ़ रहा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड गठिया और गाउट जैसी स्थितियाँ अधिक प्रचलित हो रही हैं, खासकर वृद्ध लोगों और गतिहीन जीवन शैली वाले लोगों में। गठिया न केवल पुराने दर्द का कारण बनता है और गतिशीलता को सीमित करता है, बल्कि किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है, जिससे साधारण दैनिक कार्य भी मुश्किल हो जाते हैं। आज हमारा उद्देश्य स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना और प्रारंभिक निदान और उपचार के महत्व को उजागर करना और गठिया को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के बारे में व्यावहारिक सलाह देना है। हम गठिया के विभिन्न प्रकारों, इसके कारणों, लक्षणों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से इसे प्रबंधित करने और जोड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के तरीकों का पता लगाएंगे। हमारे विशेषज्ञों का पैनल भारतीय संदर्भ में गठिया के रोगियों के सामने आने वाली चुनौतियों को भी संबोधित करेगा, जहां जीवन शैली, सांस्कृतिक कारक और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच स्थिति को प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे साथ चार विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर अंकित सोनी, जो भोपाल के शाहपुरा में डॉक्टर अंकित सोनी ऑर्थो क्लिनिक में अभ्यास करने वाले एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंकित सोनी, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन जो भोपाल और सीहोर दोनों शहरों में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। डॉक्टर दिव्यांशु गोयल, जो इंदौर के SNG अस्पताल में अभ्यास करने वाले संयुक्त प्रतिस्थापन सर्जन हैं। डॉक्टर संजीव महार, जो भोपाल में अभ्यास करने वाले एक स्पाइन और संयुक्त प्रतिस्थापन सर्जन हैं। मेरा नाम डॉक्टर संजीव महावर है, मैं अस्थि एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ हूं। और डॉक्टर जतिन धीरवानी, जो जबलपुर में जबलपुर अस्पताल में अभ्यास करने वाले एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और संयुक्त प्रतिस्थापन सर्जन हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जतिन धीरवानी है, मैं जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में पिछले 8 वर्षों से डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में कार्यरत हूँ। जी, मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर अंकित आपसे है। सबसे पहले क्या आप बता सकते हैं कि गठिया क्या है और भारत में लोगों को सबसे आम किस प्रकार का गठिया होता है? आज की बदलती जीवन शैली की वजह से आर्थराइटिस की समस्या एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। यह एक ऐसी समस्या है जिसमें जोड़ों में दर्द और सूजन की तकलीफ रहती है। आर्थराइटिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज है जो समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती है और जोड़ों पे मूवमेंट्स को डिफिकल्ट बना देती है। आर्थराइटिस मूलतः कई प्रकार के होते हैं, इसमें से सबसे जो कॉमन 3 तरह के हैं वो हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजनरेटिव प्रोसेस है, एक वेयर एंड टेयर का प्रोसेस, मतलब कि ये उम्र के साथ साथ बढ़ने वाली समस्या है। आमतौर पर ये 50 से 55 साल की उम्र में इसकी शुरुआत होती है और ये सबसे कॉमनली घुटने के जोड़ को इन्वॉल्व करती है। इसके अलावा जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की समस्या होती है वो अपने आप में एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसका मतलब कि आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो ही आपके ही जॉइंट्स के अगेंस्ट काम करने लगता है और उसमें दर्द व सूजन की समस्या शुरू हो जाती है। ये यंग और मिडिल एज ग्रुप में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, जैसे कि 25 से 35 साल की उम्र के, खासकर महिलाओं में ये और ज्यादा कॉमन होता है। तीसरा जो प्रकार है वो है गाउटी आर्थराइटिस। इसमें बॉडी में सीरम यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ जाते हैं और यह यूरिक एसिड धीरे धीरे जोड़ों में क्रिस्टल्स के रूप में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से जोड़ में सूजन और दर्द की समस्या होती है। आमतौर पर यह आपके ग्रेट टो या जो आपके टोज होते हैं उसको और एंकल जॉइंट को इन्वॉल्व करता है। जी डॉक्टर दिव्यांशु, मेरा अगला सवाल आपसे है, गठिया के विकास में योगदान देने वाले प्राथमिक कारक क्या हैं, खासकर भारतीय आबादी में? आर्थराइटिस जो बीमारी है ये उम्र के साथ जोड़ों के घिस जाने को कहते हैं। भारतीय लोगों के अंदर जिस प्रकार लोगों की जीवन शैली आरामदायक ज़्यादा हो गई है, लोगों का चलना फिरना, कसरत करना कम कम होता जा रहा है, इस वजह से मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और उसकी वजह से हमारे जोड़ जल्दी घिसने लगते हैं। साथ के साथ भारतीय लोगों को जमीन पर बैठना, भारतीय टॉयलेट का प्रयोग करना और सीढ़ी चढ़ना उतरना उन्हीं कमज़ोर मांसपेशियों के साथ चालू रखते हैं, जिसकी वजह से जोड़ ज़्यादा से ज़्यादा घिसते चले जाते हैं। साथ के साथ जो हमारी खुराक है उसमें प्रोटीन की चीज़ों का अभाव और कार्बोहाइड्रेट की चीज़ों की बहुतायत होना एक प्रमुख कारण है
जिसकी वजह से वजन बढ़ता है और उन्हीं जोड़ों के ऊपर कमजोर मांसपेशियों के साथ ज्यादा से ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे ये जोड़ पूरी तरह घिस जाते हैं। डॉक्टर संजीव, मेरा अगला सवाल आपसे है, क्या भारत में कोई विशिष्ट आबादी है जो गठिया से अधिक ग्रस्त है? ऐसे कौन से जोखिम कारक हैं जो इन समूहों को अधिक जोखिम में डालते हैं? जी हाँ, काफी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को डेवलप होने में। ये जो बीमारी है मुख्यतः महिलाओं में ज्यादा कॉमन होती है पुरुषों की तुलना में, और वो भी उनके पर्टिकुलरली एज ग्रुप में जो कि पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप होता है। और क्योंकि वो हार्मोन की वजह से जो बोन मिनरल डेंसिटी होती है उनमें जो पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में है वो थोड़े कम होना स्टार्ट हो जाती है पुरुषों की तुलना में। दूसरी चीज, ऐसे व्यक्ति जिनको कभी घुटने के आसपास कोई पुरानी चोट लगी हो, कुछ फ्रैक्चर हुआ हो, तो ऐसे पेशेंट्स को जल्दी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। तीसरी चीज होती है फैमिली हिस्ट्री, जिनकी पेरेंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस की कोई हिस्ट्री रही हो उनके पेरेंट्स में आने की ये संभावना होती है। दूसरी कुछ लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं जिनका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होता है, ऐसे पेशेंट्स में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनता है नी जॉइंट पे, और दूसरों की नॉर्मल पर्सन की तुलनाओं में उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डॉक्टर जतिन, मेरा अगला सवाल आपसे है, गठिया के सबसे आम लक्षण क्या हैं और लोगों को किन शुरुआती चेतावनी संकेतों के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो इससे बच सकें? आर्थराइटिस, जिसे हम गठिया भी बोलते हैं, इसके कुछ मूल लक्षण हैं जो बहुत कॉमन हैं, जैसे जोड़ों में सूजन, जोड़ों में लालपन, जकड़न या जिसे गठीलापन बोलते हैं। इसके अलावा अगर हमें शरीर में थकान लग रही हो, या जैसे हम जानते हैं कि आर्थराइटिस अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में खास करके जो हमारे हाथ के छोटे जोड़ रहते हैं इनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में घुटना, कूल्हा, इसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनको हमें खास ख्याल रखना है। डॉक्टर अंकित, गठिया का निदान कैसे किया जाता है और कुछ प्रमुख निदानिक परीक्षण क्या हैं जो स्थिति को जल्दी पहचानने में मदद कर सकते हैं, अगर आप इसके बारे में कुछ बताएं तो? आर्थराइटिस को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले तो एक थोरो फिजिकल एग्जामिनेशन की जरूरत होती है जो हम अपने पेशेंट का करते हैं। इसमें हम जोड़ में कितना दर्द, कितनी सूजन और जोड़ का रेंज ऑफ मूवमेंट कितना है, मूलतः इन चीज़ों को असेस करके और पहचान करते हैं कि आर्थराइटिस है कि नहीं। इसके अलावा कुछ टेस्ट की मदद ली जा सकती है जो आर्थराइटिस को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट करने में मदद करता है। खासकर की सबसे कॉमन जो इसमें टेस्ट यूज होता है वो होता है सिंपल सा एक एक्सरे। एक्सरे में हम जोड़ और उसमें जो कार्टिलेज होते हैं वो कितना ज्यादा घिसा है, जो उसमें टूट फूट हुई है, इन सब चीज़ों को देखकर पता लगाते हैं कि आर्थराइटिस की समस्या है कि नहीं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक आर्थराइटिक कंडीशंस को डायग्नोस करने के लिए विशेष ब्लड टेस्ट्स होते हैं, जैसे कि आरए फैक्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस को डायग्नोस करने के लिए, या फिर यूरिक एसिड लेवल्स जो ब्लड में होते हैं उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, जिससे कि हमें गाउटी आर्थराइटिस के बारे में पता लगता है। जी डॉक्टर दिव्यांशु, लोगों के लिए समय रहते निदान और उपचार करवाना कितना महत्वपूर्ण है? यदि गठिया का उपचार ना किया जाए तो इसके क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं तो? यदि आपको आर्थराइटिस है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी आर्थराइटिस जल्दी पकड़ में आ जाती है, अर्ली स्टेज में पता चलती है, तो हम उसको रोकने में, उसी स्टेज पर रोकने में, आगे नहीं बढ़ने देने में काफ़ी सारे उपाय कर सकते हैं, जैसे कि जीवन शैली में बदलाव, कैल्शियम, विटामिन, इनकी गोलियां लेना, और उसके साथ में सही कसरत और सही बचाव की एक्टिविटीज़ करना, ताकि हमारी आर्थराइटिस बढ़ ना जाए। यदि हमारी आर्थराइटिस बढ़ भी जाती है उस कंडीशन में भी हमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नई तकनीकों के द्वारा, रोबोट की मदद से, कम चीरे की मदद से, नए इम्प्लांट की मदद से हम इस ऑपरेशन को बहुत ही कुशलता से अंजाम दे सकते हैं, ताकि मरीज 15 दिन के अंदर पूरी नॉर्मल दिनचर्या में आ सकता है। ऑपरेशन वाले दिन चलना, ऑपरेशन के अगले दिन सीढ़ी चढ़ना उतरना, तीसरे दिन घर जाना और 15 दिन में नॉर्मल रिकवरी पा लेना, आज की तारीख में नी रिप्लेसमेंट के बाद एक नॉर्मल रिकवरी प्रोसेस है।
तो बिल्कुल भी हमें किसी भी कंडीशन में आर्थराइटिस से घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को आर्थराइटिस है उनसे बात करें, उनसे अपने अनुभव साझा करें, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हमें जिस भी कंडीशन में हों, हम कम ज़्यादा हमारा इलाज संभव है। इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ जीने की ज़रूरत नहीं है, जीना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको आर्थराइटिस है तो आपको चलाना हमारी जिम्मेदारी है, और आप चलते रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। आपको दूसरी कोई बीमारियां जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़, ये सारी बीमारियां भी आपको छू नहीं पाएंगी। इसलिए आर्थराइटिस से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं जी। डॉक्टर संजीव, गठिया के उपचार के लिए चिकित्सकीय और सर्प चिकित्सा दोनों ही तरीकों से कौन कौन से उपचार उपलब्ध हैं, इसके बारे में अगर कोई जानकारी आप शेयर कर सकें हमारे दर्शकों के साथ। ये डिपेंड करता है कि मरीज हमारे पास किस स्टेज में आया है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है प्रमुखता घुटने की, उसमें चार स्टेजेस होती हैं। शुरू के स्टेज वन और स्टेज टू में तो हम पेशेंट्स को थोड़ा मोटिवेट करते हैं फिजियोथेरेपी के लिए, पेशेंट्स को काउंसलिंग करते हैं क्या चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, कुछ मेडिकेशंस रहती हैं जो उसका प्रोग्रेशन डिले कर सकें। और जब पेशेंट थर्ड स्टेज में जाता है जिसमें अर्थराइटिस बढ़ती है, तो उसमें कुछ सर्जिकल ऑप्शंस भी रहते हैं, कुछ मेडिकल ऑप्शंस भी रहते हैं। सर्जिकल ऑप्शंस इस तरह के रहते हैं कि हम इसको नी रिप्लेसमेंट से बचा सकें, और कुछ इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस भी रहते हैं जिससे पेशेंट्स का दर्द काफ़ी हद तक कम हो सकता है। लेकिन अगर पेशेंट स्टेज फोर का है जिसमें अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, घिसावट बहुत ज़्यादा आ चुकी है, जॉइंट में स्टिफनेस है, टेढ़ापन आ गया है, डिफॉर्मिटी है, तो ऐसे पेशेंट्स में सबसे बेस्ट ऑप्शंस जो आज के टाइम अवेलेबल है वो टोटल नी रिप्लेसमेंट है जी। डॉक्टर जतिन, मेरा अगला सवाल आपसे है, जीवन शैली में बदलाव जैसे कि आहार और व्यायाम गठिया के उपचार में किस तरह की भूमिका निभा सकते हैं, आप रोगियों को क्या विशेष सुझाव देंगे? आर्थराइटिस से बचाव के लिए हमें कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना है। सबसे पहले हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, एक हेल्दी वेट मेंटेन रखना है, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी करनी है। इसके अलावा खाने में ऐसा खाना खाना है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में जिसकी मात्रा अच्छी हो। इसके अलावा हरी पत्तियां, जो हरी सब्जियां रहती हैं, उसका सेवन करना है। कुछ ऐसे खाना है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, जैसे अदरक, हल्दी, इन चीज़ों का भी अपने को सेवन करना है। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करना है। अगर आप स्मोकर हैं या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो कोशिश करनी है कि इन चीज़ों का सेवन कम करें, और बहुत अच्छा रहेगा अगर बंद कर सकें। यही चीज़ों का ख्याल रखते हुए अपन आर्थराइटिस से लड़ सकते हैं जी। डॉक्टर अंकित, आप गठिया से पीड़ित किसी व्यक्ति को स्थिति की शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियों से निपटने के बारे में क्या सलाह देंगे? कई बार आर्थराइटिस से कोप करना थोड़ा सा मुश्किल या चैलेंजिंग हो सकता है। ये आपके फिजिकल वेलबींग, मतलब जो तकलीफ दर्द हो रहा है, उसके अलावा आपको मेंटली भी परेशान कर सकता है। फिजिकली जो दर्द हो रहा है उसको डील करने के लिए हम पेशेंट को कुछ एनाल्जेसिक मेडिसिंस देते हैं, जो टैबलेट्स, कैप्सूल या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में हो सकता है। इसके अलावा पेन रिलीविंग ऑयल या ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करके भी दर्द को कम किया जा सकता है। इसके अलावा गर्म सिकाई भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गर्म सेक करने से जॉइंट में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और टॉक्सिन्स को वहां से फटाफट फ्लश आउट करने में मदद करता है। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करना, जैसे कि अपने लाइफ को थोड़ा एक्टिव बनाना, उसमें फिजियोथेरेपी, योगा या सिंपल स्ट्रेचिंग और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करके आप इस फिजिकल पेन को ओवरकम कर सकते हैं। कई बार जो इमोशनल चैलेंजेस पेशेंट के सामने आते हैं, तो क्योंकि इसमें पेन बहुत क्रॉनिक होता है, लंबे समय तक चलता है, तो पेशेंट को डिप्रेशन या एंजाइटी की समस्या हो सकती है। तो इससे डील करने के लिए पेशेंट को हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए, और दूसरा वो मेडिटेशन या फिर माइंडफुलनेस जैसी एक्टिविटीज को अपने डेली लाइफ में ऐड कर सकता है। इससे मेंटली उनको बहुत पीस मिलता है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट और जो तीसरा स्टेप होता है, उसमें पेशेंट और डॉक्टर की बात तो हो गई, मगर आप अपने फैमिली को या अपने फ्रेंड्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। सब लोग ग्रुप बनाकर योगा या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, तो इससे आप तो ठीक होंगे ही होंगे और साथ में ओवरऑल फैमिली या कम्युनिटी की भी हेल्थ इंप्रूव होगी जी। डॉक्टर दिव्यांशु,
आप गठिया से पीड़ित किसी व्यक्ति को स्थिति की शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियों से निपटने के बारे में क्या सलाह देंगे? जल्दी इस बीमारी को पकड़ना और इसका इलाज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम इस बीमारी को जल्दी पकड़ लेते हैं तो हम ऑपरेशन से बच सकते हैं। इस बीमारी को जल्दी पकड़ने के बाद विशेषकर जीवन शैली में बदलाव, जैसे कि खाने पीने में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना, हमारे दिनचर्या में व्यायाम कसरत का कंप्लीट कम से कम आधे से एक घंटा सुबह और शाम कसरत करना और थोड़ा पैदल चलना, इससे हम मांसपेशियों की ताकत को बढ़ा लेंगे, हमारे वजन को बढ़ने नहीं देंगे और आर्थराइटिस जिस स्टेज पे हमने पकड़ ली, ज़्यादा करके जब हम कम स्टेज पे यदि इसको पकड़ लेते हैं तो हम उसे वहीं रोक सकते हैं, नहीं तो यदि हम उसको नहीं रोक पाते हैं समय पर तो फिर वो लास्ट स्टेज पे यदि पकड़ में आती है तो उस स्टेज में फिर हमारे पास ऑपरेशन के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं बचता है। जल्दी डॉक्टर के पास जाना, सलाह लेने से हम कसरत खुराक दोनों में बदलाव तो लाते ही लाते हैं, लेकिन साथ में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12, इनको भी हम करेक्ट कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, जिससे हमारी मांसपेशियां, नसें और हड्डियां स्वस्थ रहती हैं और हम आर्थराइटिस से बच जाते हैं। और जैसे हम आर्थराइटिस से बच जाएंगे तो भविष्य में हमें नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डॉक्टर संजीव, आप गठिया से पीड़ित किसी व्यक्ति को स्थिति की शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियों से निपटने के बारे में क्या सलाह देंगे? इसमें मरीज को मोटिवेट करते हैं हम, ये भी डिपेंड करता है कि वो हमारे पास किस स्टेज में है, उस स्टेज के अकॉर्डिंग उसको बताया जाता है कि ये कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं है, ये एज रिलेटेड बीमारी है। एक एज में आके सबको कहीं ना कहीं एक नी पेन, आर्थराइटिस जैसे सिम्टम्स एक्सपीरियंस होते हैं, तो उनमें हमें क्या करना है, कौन सी चीज़ को अवॉइड करना है, जैसे कि स्क्वेटिंग हुआ, क्रॉस लेग सेटिंग हुआ, आलकी पालकी मार के बैठना, उकड़ू होके बैठना, सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ना उतरना, ऐसी चीज़ के लिए मना करते हैं जिनमें घुटनों पर ज़्यादा जोर पहुँचता है। और इम्पोर्टेंट रहता है सबसे ज़्यादा उनकी काउंसलिंग, क्योंकि इस उम्र में जो पेशेंट आता है वो यही चाहता है कि वो अपनी जो लाइफ है वो पेन फ्री रहे, तो उनको इमोशनली सपोर्ट देते हैं, मोटिवेट करते हैं फिजियोथेरेपी के लिए, और जरूरत पड़ती है तो उनको टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए भी काउंसलिंग करते हैं। जी डॉक्टर जतन, मेरा अगला सवाल आपसे है, गठिया के प्रबंधन के लिए चिकित्सकीय और शल्प चिकित्सा दोनों तरह से उपलब्ध विभिन्न उपचार विकल्प क्या हैं? अर्ली स्टेज आर्थराइटिस में फिजियोथेरेपी का भी एक बहुत अहम रोल है। नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस से हमें दर्द में निवारण पाया जा सकता है। अर्ली स्टेज आर्थराइटिस में अक्सर देखा जाता है कि जो हमारा जोड़ के अंदर का साइनोवियल फ्लूइड है वो कम हो जाता है, तो इसको सप्लीमेंट करने के लिए आजकल विस्को सप्लीमेंटेशन के इंजेक्शंस आ गए हैं, जिसे स्टेरॉयड के साथ दिया जाता है, जिससे हम दर्द में निदान पा सकते हैं। अगर हमें लेट स्टेज आर्थराइटिस हुआ है तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, वो है सर्जिकल ऑप्शन, जिसे हम टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं, जिसे जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी बोलते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसका सक्सेस रेट बहुत हाई है। तो ये पूरा एक, जिसे बोलेंगे कि मेडिकल ऑप्शंस और सर्जिकल ऑप्शन का समागम है, जिसे हमें पूर्ण रूप से लेना है। हमारे डॉक्टरों के पैनल को उनकी अंतर्दृष्टि के लिए धन्यवाद। जैसा कि हम समाप्त कर रहे हैं, मैं आप में से प्रत्येक को हमारे दर्शकों के लिए गठिया को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने और अपने जोड़ों की सुरक्षा करने के तरीके पर एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए कहना चाहूँगी। सबसे पहले आइए डॉक्टर अंकित सोनी से इसके बारे में कुछ जानते हैं। जी, कंक्लूजन और टेक अवेज में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको अगर किसी भी जोड़ में दर्द, सूजन या तकलीफ हो रही है तो उसे इग्नोर ना करें, अपने स्पेशलिस्ट से मिलें और उनके कहे अनुसार फिर अगर कुछ मेडिकेशंस की जरूरत है तो मेडिसिंस लें, और इसके अलावा सबसे जरूरी आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करें, योगा एक्सरसाइजेस को अपने डेली रूटीन में इन्वॉल्व करें। जी आइए अब डॉक्टर दिव्यांशु गोयल की बात सुनते हैं। आर्थराइटिस के लिए अपनी दिनचर्या को बदलें, खान पान को सुधारें, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, गेहूं, चावल, आलू, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें कम खाएं या ना खाएं,
सही मायने में समझकर सीखकर सही कसरत करें, पैदल चलें और अपने जोड़ का सही उपयोग करें। एक बार यदि आपको आर्थराइटिस हो गई है तो जमीन का बैठना उठना टालें, सीढ़ी चढ़ना उतरना टालें, पैदल चलने की कोई मनाही नहीं है। और यदि आपको आर्थराइटिस हो गई है तो ऑपरेशन सेफली बहुत कुशलता के साथ किया जा सकता है। तो अपनी समस्या को खुद तक ना रखें, डॉक्टर के साथ, घर वालों के साथ अपनी प्रॉब्लम को साझा करें और उसका सॉल्यूशन लें। धन्यवाद डॉक्टर संजीव, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अर्थराइटिस को अगर हम चाहते हैं कि आगे चल के हमें ये घुटनों की अर्थराइटिस डेवलप ना हो, तो सबसे मेन चीज होती है हमारा जो वेट रहे वो मेंटेन रहे, एक BMI हमारा नॉर्मल लेवल पे रहे। दूसरी चीज ये है कि हमारी लाइफस्टाइल, हमारी डाइट काफ़ी अच्छी रहे। तीसरी चीज़ ये होती है कि ऐसी कोई सी भी इंजरी से बचें जो हमारे नी जॉइंट्स के अराउंड होती हैं। जी, और अंत में डॉक्टर जतिन, आपका इसके बारे में क्या कहना है? मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि एम्पावर योरसेल्फ विद सेल्फ केयर एंड स्टे प्रोएक्टिव। हमें आर्थराइटिस से लड़ने के लिए आर्थराइटिस क्या है इसके बारे में पूरी नॉलेज रहनी चाहिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसका इलाज लेना चाहिए, तो जल्द से जल्द अपन आर्थराइटिस के दर्द से निदान पाएंगे। धन्यवाद जी। गठिया के प्रबंधन पर अपनी बहुमूल्य और अंतर्दृष्टि और व्यवहारिक सलाह साझा करने के लिए हमारे सम्मानित डॉक्टरों के पैनल को धन्यवाद। ये स्पष्ट है कि गठिया एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है, लेकिन सही दृष्टिकोण और शुरुआती हस्तक्षेप के साथ एक पूर्ण और सक्रिय जीवन जीना संभव है। इस विश्व गठिया दिवस पर आइए याद रखें कि जागरूकता और सक्रिय देखभाल संयुक्त स्वास्थ्य के लिए, प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो व्यायाम, आहार या समय पर चिकित्सा सलाह लेने के माध्यम से हो। छोटे कदम एक बड़ा अंतर ला सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और आइए आज हम सभी बेहतर संयुक्त स्वास्थ्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। नमस्कार।